दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक शेयर्स के बारे में, जिसमें आज ही के दिन हमें कुछ दो बड़ी अपडेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टाटा ग्रुप के जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर आज के दिन आपको लगभग 1 से 1.5% तक के शानदार पॉजिटिव मूवमेंट यहां पर देखने को मिल चुके हैं। वहीं अगर आप पिछले एक महीने के चार्ट पैटर्न्स को भी देखेंगे तो पिछले एक महीने के अंदर ये शेयर्स 10% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। अगर पिछले एक साल के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो पिछले एक साल में 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स यहां पर टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो 500% से भी ज्यादा, या यूं कहें कि 550% से भी ज्यादा के रिटर्न्स आपको यहां पर टाटा ग्रुप की यह कंपनी बनाकर दे चुकी है। चलिए दोस्तों अब बिना किसी देरी के मैं आपको टाटा ग्रुप की इस कंपनी का नाम भी बता देता हूं, लेकिन सिर्फ नाम जानने के बाद में आप वीडियो को क्लोज मत करिएगा, वीडियो को बंद मत करिएगा, क्योंकि टाटा ग्रुप की यह कंपनी आपको आने वाले टाइम में मल्टी बेगर रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पर द इंडिया होटल्स की, द इंडियन होटल्स, जहां पर आज ही के दिन हमें इसके Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से कोविड का इंपैक्ट पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है, होटल का बिजनेस वापस बुलिश वे में जाते हुए देखने को मिल रहा है। द इंडियन होटल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट होटल बेस्ड कंपनी है, जिसमें अगर बात करें Q2 की तो कंपनी की नेट सेल्स 461.49 करोड़ हमें यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग 179% तक की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर द इंडियन होटल्स के अंदर देखने को मिल रही है। यानी कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स Q2 में कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, जिसको देखते हुए कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको इस शेयर्स के अंदर डेफिनेटली अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहां पर इबिड्डा की भी बात करें तो इबिड्डा के अंदर भी हमें लगभग 311% तक की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि सितंबर 2020 में जो यहां पर इबिड्डा में हमें 37.64 करोड़ रुपीज का देखने को मिल रहा था, वहीं यहां पर इंक्रीज होकर 79.74 करोड़ रुपीज देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, लेकिन इससे हटके भी दो बड़ी अपडेट्स और आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल फॉर्म द इंडियन होटल्स को लेकर काफी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर 268 रुपए, यानी कि 268 रुपीज के टारगेट प्राइस यहां पर सेट किए हैं मोतीलाल ओसवाल ने। यानी कि आप शॉर्ट टर्म पर्पज से भी अगर इस शेयर्स को पिक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस शेयर्स के अंदर फ्रेश पोजिशंस बना सकते हैं। वहीं आज ही के दिन जो एक और बड़ी अपडेट्स द इंडियन होटल्स को लेकर निकल कर आई है वो भी आप देख सकते हैं। इंडियन होटल्स होप्स टू वाइप आउट ₹3,571 करोड़ डेब्ट इन 18 मंथ्स, यानी कि आने वाले 18 महीनों में द इंडियन होटल्स अपने नेट डेब्ट को 3,571 करोड़ रुपए से पूरी तरीके से रिड्यूस करने वाली है। यानी कि आने वाले 1.5 साल में आपको ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन दैट्स प्रमोटेड बाय द टाटा ग्रुप्स होप्स टू पे ऑफ ऑल इट्स डेब्ट बाय अप्रैल 2023, यानी कि अप्रैल 2023 तक आपको जो इनका डेब्ट है, जो कि अभी टोटल आपको द इंडियन होटल्स के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। तो आज के दिन की टाटा ग्रुप की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट्स ये हमें आते हुए देखने को मिल रही है। और अगर आपने द इंडियन होटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अप्रैल 2023 तक अपने इन्वेस्टमेंट को स्क्योर ऑफ मत करिएगा। साथ ही साथ इस शेयर्स को लेकर एक्सपर्ट्स भी काफी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात करें तो ये टाटा ग्रुप की मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 24,671 करोड़ रुपए का है। साथ ही साथ अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो द इंडियन होटल्स के जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के मोमेंटम निकल कर आ रहे हैं वो भी काफी बुलिश के निकल कर आ रहे हैं। और इसी के साथ में अगर अपडेटेड शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की भी बात करी जाए, यानी कि जो सितंबर क्वार्टर की यहां पर अपडेटेड शेयर होल्डिंग्स पैटर्न निकल कर आई है उसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन अगर आप यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का रेशियो देखेंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स के नंबर्स भी देखेंगे तो वो यहां पर आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर इस शेयर्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं और आपको पता होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर वहीं इन्वेस्टमेंट
करते हैं जहां पर उन्हें रिटर्न्स के चांसेस लगते हैं। तो यहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है द इंडियन होटल्स को, अगर आपने पिक कर रखा है, तो यहां पर अपनी पोजीशंस को आप होल्ड करके रख सकते हैं। आगे जिस प्रकार के क्वार्टर टू के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, शेयर्स के अंदर अपर सर्किट लगना तो तय है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो इन पाइवोट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए, आप द इंडियन होटल्स के अंदर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और जितना गिरावट में ये शेयर्स मिले आप बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं, यानी कि हर एक गिरावट में इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। अगर हम इन्फो यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड काम की भी बात करें तो हालांकि वॉल्यूम बेस्ड काम आज के दिन हमें पूरे मंथ के अकॉर्डिंग सबसे कम देखने को मिला है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि इसके रिजल्ट यहाँ पर अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़्यादा अल्टीमेट निकल कर आए हैं, जिस कारण से कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको इस शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की भी बात करें तो यहां पर इस शेयर्स को लेकर 70% बाय की कॉल और 30% सेल की कॉल निकल कर आ रही है। 30% जो सेल की कॉल निकल कर आ रही है, वो भी जो शॉर्ट टर्म टारगेट जिनके यहाँ पर सेट हैं, जिन्हें 220 तक के टारगेट यहाँ पर सेट है, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली ये शेयर्स आपको 500 रुपये के लेवल्स पर भी आने वाले 2 सालों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको कंटिन्यूसली अपडेट शेयर करी जा रही है। करंट वीक में आपको 700 से ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और हर एक रिजल्ट को यूट्यूब पर कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस कारण से अगर आप ने किसी ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसे हम YouTube पर कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हर छोटी बड़ी अपडेट शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करी जा रही है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और टाटा ग्रुप का IPO, ITC का IPO, अडानी ग्रुप्स का IPO, स्टार हेल्थ का IPO, जो भी यहां पर अपकमिंग IPO आने वाले हैं जिसको लेकर हम सभी एक्साइटेड हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले किसी भी शेयर्स के अंदर खरीदारी करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए बनाई है। अगर आपकी कोई क्यूरी है किसी भी शेयर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।